सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्रेम प्रसंग में एक ही परिवार के तीन लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ग्राम इमलिया गुरदयालपुरा का है। आपको बताया जाए कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक परिवार के चार लोगों पर सरफिरे आशिक ने हमला किया, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई है जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था मगर गोंडा के डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें पुलिस ने बताया है कि गोली चली है। घटनास्थल पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मौजूद हैं। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाम 6:30 के आसपास ये कोतवाली नगर थाना पड़ता है जहां गोली चलने की सूचना मिली थी। तत्काल इसमें पुलिस पहुंची है। इसमें जो घायल थे कुल चार थे जिनको लाया गया था अस्पताल, जिसमें बताया जा रहा है कि तीन की संभवतः मृत्यु हो गई है। एक जो घायल है उसको आगे इलाज के लिए प्रॉपर और आगे रेफर किया जा रहा है। प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है वो प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जिसमें जो कोई लड़का है जो किसी बात से विक्षुब्ध था, जिसके द्वारा ये घटना अपने दोस्तों के साथ कारित करने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा संभवतः जो दोनों पक्ष हैं वो एक ही कम्युनिटी से है और इस संबंध में अभी हम लोग और विस्तृत जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी से लेकर के जो FIR पंजीकरण और घटना संरीक्षण इन सब के लिए प्रॉपर टीमें लगा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फर्दर डिटेल्स इसमें जो भी हमें पता चलेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। कितनी मौत हुई, कितने घायल अभी तीन की जो है हमारे पास सूचना है, एक घायल की है, तो और जानकारी मिलेगी जैसे भी है तो आपको शेयर किया जाएगा। अभी जस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और तथ्य हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में अगर कोई और बात निकल के आती है तो वो भी आपको बताया जाएगा। किस चीज़ से सर महाराज?